हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स लेक्चर। हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट चैप्टर, ठीक है। मेजरमेंट चैप्टर में हम रिवाइज करते हैं गो थ्रू करते हैं जल्दी कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है पर्टिकुलर कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें मेजर करती है, मास की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, वॉट आर द टाइप इन विच वी कैन कैलकुलेट लेंथ, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल्स एंड सो ऑन। उसके बाद हमने मास के बारे में पढ़ा, टाइम के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस जैसे सेकेंड्स, आवर्स, डेज एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए, और साथ में हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ शुरू किया था, जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट देखे थे, प्रिंसिपल देखा था कि प्रिंसिपल क्या है, लीस्ट काउंट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या था एक बार रिकलेक्ट करते हैं। लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर हमने क्यों यूज़ किया था? वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द ऑब्जेक्ट इन टू डेसिमल प्लेस ऑफ अ सेंटीमीटर। जैसे कि 0.01 सेंटीमीटर तक कैलकुलेशन होता है। हमारी जो स्केल है, स्केल में क्या होती है, 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, इसके बीच में आपको mm डिवीजन मिलते हैं, दैट आर 10 डिवीजन्स, ठीक है। मतलब आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 1.1 सेंटीमीटर आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1.4 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। ये 1 हो गया और ये 4, फोर्थ डिवीजन दिस। तो यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट होता तो क्या होगा, 1.4। मतलब हमारी सेंटीमीटर स्केल क्या करती है, सिंगल डिजिट आफ्टर डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट तक कैलकुलेशन करता है, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है एक्यूरेसी। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट है जो 1, 4 और 5 के बीच में लाया करता हो, यहाँ पे कई ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब ये इसकी लेंथ है। अब इसे हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसमें हो सकता है एक्यूरेसी, हम क्या करेंगे, गलती कर सकते हैं, ह्यूमन एरर हो सकता है। हम इधर कोई 1.4 सेंटीमीटर कंसीडर करेगा या फिर 1.5 सेंटीमीटर करेगा, क्योंकि हमारे पास जो सेंटर में जो मतलब 1 mm के बीच का जो गैप है, उसमें जो गैप है वो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे ड्यू टू आर ह्यूमन एरर। चीज़ें क्लियर है, वी आर नॉट प्रिस्क्राइब टू कैलकुलेट दैट। तो इस केस में हमने सोल्यूशन लाया कि सर यहाँ पे हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे। अब वर्नियर कैलिपर क्या करता है, वर्नियर कैलिपर 2 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करता है, मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक। जैसे ये हो सकता है 1.45 सेंटीमीटर, ये होगा इसका पर्टिकुलरली कैलकुलेशन अगर कहीं यहाँ पे आता है तो, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट लाया करता है, मतलब वर्नियर कैलिपर ने क्या किया, एक एक्यूरेसी बढ़ा दी, 2 डेसिमल प्लेस से कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट ने। मतलब क्या हो गया, इसमें एक्यूरेसी आ गई है। चीज़ें क्लियर है। और हमें पता है कि लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम, लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, मतलब मिनिमम से मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन हो सकता है, 0.01 सेंटीमीटर। मतलब देखो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेशन हो रहा है, 0.01 है, मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक इसका कैलकुलेशन हो सकता है वर्नियर कैलिपर में, ठीक है। अब हम जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर एक्चुअली वर्क कैसे करता है, उसका यूज़ क्या है, और किस तरीके से वर्नियर कैलिपर एक्चुअली वर्क करता है, उसमें एरर क्या हो सकता है, बिकॉज एक इंस्ट्रूमेंट है। हमें पता है कि इंस्ट्रूमेंट में क्या हो सकता है, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से उसमें एरर जनरेट हो सकते हैं। अब एरर किस तरीके से होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर, ये हम देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, उस एरर को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एरर है तो उसे सुधारना भी पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब सबसे पहले देखते हैं वर्नियर कैलिपर इज ऑल्सो कॉल्ड, पहले हम लिख लेते हैं वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, पर्टिकुलरली आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है वर्नियर कैलिपर दिख रहा है, ठीक है। अब मैं वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ता हूँ। वर्नियर कैलिपर इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लाइड कैपिलरीज, इट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड, द डायमीटर ऑफ अ स्पीयर, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, द डेप्थ ऑफ अ स्मॉल बीकर एंड बॉटल, ठीक है। मतलब वर्नियर कैलिपर आपका यूज़ किस बात के लिए होता है, वर्नियर कैलिपर जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आप एक सेंटीमीटर स्केल से कैलकुलेट नहीं कर सकते, डायमीटर ऑफ एन बॉटल, ठीक है, बॉटल ऑब्जेक्ट या फिर बीकर हो सकता है या फिर हॉलो सिलेंडर हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन के लिए हमें वर्नियर कैलिपर हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ें क्लियर है। अब वर्नियर कैलिपर कैसा होता है ये पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अब वर्नियर कैलिपर विच इज़ शोन इन योर फिगर, ये मतलब आपकी स्क्रीन में जो दिख रहा है, इट कंसिस्ट अ लॉन्ग एंड थिन स्टील स्ट्रिप प्रोवाइडेड विद अ जॉ J1 एंड एट अ वन एंड एंड स्ट्रिप J2 एट अनदर एंड, ये चीज़ें क्लियर है। इसका आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें जॉ दिख रहे हैं आपको, एक मेन स्केल है, ओके। अभी जो जॉ J1 जो है वो क्या है, वो मेन स्केल से अटैच है। मेन स्केल को हम क्या कहते हैं, फिक्स स्केल। मेन स्केल कभी भी मूव नहीं करती, ठीक है। ये नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट होता है एक वर्नियर कैलिपर में, ठीक है। कैलिपर मतलब समथिंग टू मेजर। तो ये जो मेन स्केल है ये फिक्स होती है,
ठीक है। अब एक इनर जॉ होता है दैट इज जे टू, हम जो सेकेंड जॉ देख रहे हैं वो मूवेबल होता है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वर्नियर स्केल लिखा है, हाँ है ना। मतलब आप ये चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलरली वर्नियर कैलिपर किस तरीके से दिखाई देता है, ये चीज़ें क्लियर है, दिख रहा है आपको क्लियरली वर्नियर कैलिपर कैसा होता है। ओके, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो जॉज है जहाँ पे रीडिंग आपको मेंशन है, ठीक है। रीडिंग दिख रही होगी आपको, एक इंटरनल जॉ दिखाई दे रहा होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल जॉ। एक्सटर्नल आपको डाउनवर्ड जॉज दिख रहे हैं और इंटरनल अपवर्ड जॉ। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल जॉ आर यूज टू कैलकुलेट द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एनी राउंड ऑब्जेक्ट और एनीथिंग, चीज़ें क्लियर है। और इंटरनल आपका इंटरनल मतलब एक बॉटल कैप है, अब बॉटल कैप की अगर आउटर डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है तो आप एक्सटर्नल जॉ से कैलकुलेट करोगे। जो इनर डायमीटर मतलब बॉटल के अंदर जो कैप के अंदर का जो स्पेस होता है उसे आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आप इंटरनल जॉ यूज़ करोगे, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना। अब आप उसके बाद मेन स्केल देख रहे हो और वर्नियर कैलिपर देख रहे हो, ठीक है। वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल है वो कैसे मूवेबल है और मेन स्केल इज़ नॉन मूवेबल स्केल, ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, दिखाई दे रहे हैं आपको, हाँ है ना, क्लियर है। ओके, अब इनके कुछ वर्नियर कैलिपर के जो मेन पार्ट्स है उनका हम यूज़ देखते हैं। वर्नियर कैलिपर मेन पार्ट्स एंड द फंक्शन, फर्स्ट आउटसाइड जॉ, जो आपको आउटसाइड जॉ दिख रहा है डाउनवर्ड में, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उनका काम क्या है, टू मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड, डायमीटर ऑफ द स्पीयर, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, ये सारी चीज़ें। मतलब आउटर जॉ इज यूज टू कैलकुलेट द एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल लेंथ, एक्सटर्नल कह सकते हैं हम हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर जो होता है उसका एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है। मतलब जो भी एक्सटर्नल चीज़ होती है, आउटर सर्फेस की चीज़ें, वो कैलकुलेट करने के लिए जो हम जॉ यूज करते हैं वो आउटर जॉ, दैट इज एक्सटर्नल जॉ हम यूज करते हैं। ओके, अब जो इनसाइड जॉ का यूज़ क्या है, टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर और पाइप। अब आपने देखा होगा जो आपके घर पे वाटर पाइप्स होते हैं, वाटर पाइप के अंदर जो स्पेस होती है दैट इज हॉलो स्पेस। अब आपको इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर में डिफरेंस होगा, यस, बिकॉज कुछ थिकनेस होती है पाइप की, वो थिकनेस की वजह से क्या होता है, कुछ mm, सर्टन mm ऑफ, जो पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं सर्टन mm ऑफ डायमीटर में जो रिडक्शन आपको देखने मिलेगा वो आप इंटरनल जॉ से करोगे, क्योंकि एक्सटर्नल जॉ अगर उसमें फिट होता है, एक्सटर्नल जॉ कैसा है, कर्व्ड, इनवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड है, ठीक है। तो आप एक्सटर्नल जॉ अगर उसमें फिट करोगे आपको जो वैल्यू है वो परफेक्ट नहीं आएगी, इसलिए हम इंटरनल जॉ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रिप। उसमें एक स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। स्ट्रिप क्या होता है, टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ बीकर और अ बॉटल, ठीक है। स्ट्रिप का काम क्या होता है, टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ बॉटल, ठीक है, कितना ज़्यादा डेप्थ है। स्ट्रिप में जो लास्ट में आपको मिलेगा टी शेप, टी जो लिखा होता है आपके बुक में आपको देखने मिलेगा डायग्राम, ठीक है। स्ट्रिप इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ, सो दैट हम क्या कह सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मेन स्केल और वर्नियर स्केल का काम क्या होता है ये देखते हैं। मेन स्केल इज यूज टू मेजर द लेंथ करेक्ट अप टू 1 mm। अब मेन स्केल होता है मतलब हमारा सेंटीमीटर स्केल, जो हम नॉर्मल स्केल यूज़ करते हैं ना सेंटीमीटर, वही वहाँ पे फिक्स्ड एज अ मेन स्केल कहलाती है। अब हमें पता है कि जो हमारी मेन, हम सेंटीमीटर स्केल यूज़ करते हैं, जो रूलर यूज़ करते हैं हम डे टू डे लाइफ में 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की, उसमें हमने देखा होगा कि सेंटीमीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं और mm का। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक जो मेन हमारे जो रूलर होता है मतलब 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर जो हम रूलर यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है 1.1, 1.2, 1.3 मीन्स सेंटीमीटर में हम मिनिमम कितना 1 mm तक का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। पर हमें क्या करना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है। अब एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम वर्नियर स्केल अप्लाई करते हैं। जो मूवेबल स्केल होती है उसे वर्नियर स्केल कहते हैं। अब वर्नियर स्केल का काम क्या होता है, वर्नियर स्केल आपको सेकेंड डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेशन दिखाता है, मतलब 0.1 mm तक। सो दैट अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 0.01 cm, जो हमने स्टार्टिंग में देखा है। ये चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ओके, तो ये होता है वर्नियर कैलिपर का आपका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो आपने देख लिया स्केल कैसे दिखती है, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, ये सारी चीज़ें। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ टू टेक रीडिंग ऑन अ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। उससे पहले हम आते हैं लीस्ट काउंट पे आते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का, हमने देखा था। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। चलो अब लीस्ट काउंट पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है पर्टिकुलरली वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल, ठीक है, इसे हम कंसीडर करेंगे, वन मेन स्केल डिवीजन को हम कंसीडर करेंगे एक्स एज अ एक्स, चीजें क्लियर है, एज अ एक्स। अब इसके डिनोमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वन ईयर, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वन ईयर, लेट अस कंसीडर एज एन, ठीक है। वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, वन, ठीक है, ओके। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं, टेन, सो ये हो जाएगा 0.1 mm, क्योंकि कैलकुलेशन mm में हो रहा है, जिसे क्लियर है, तो 0.1 mm, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लीस्ट काउंट ऑफ, लीस्ट काउंट ऑफ क्या होगा, लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर कैलिबर, ये चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना, 0.1 mm। अगर हम इसे सेंटीमीटर में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 0.01 सेंटीमीटर, बिकॉज वी नो दैट 10 mm इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो ये 10 टेंथ हो जाएगा, तो 0.01 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका लीस्ट काउंट, चीज़ें क्लियर है, ओके। अब जैसे ही हमने लीस्ट काउंट पढ़ लिया, हमने इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी कर ली, अब हमें एक चीज़ पता है कि कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, परफेक्ट नहीं होते। हम डे टू डे लाइफ में जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है तो इंस्ट्रूमेंट आर नॉट रिलायबल, हम कंप्लीटली उस पर रिलाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज एक रीज़न है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, दिक्कत इन द सेंस वहाँ पे एरर जनरेट हो सकता है, हम फिजिक्स के टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, हम पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट में एरर जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो एरर एक्चुअली क्या होता है, ये देखते हैं। अब एरर को अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, अब देखो फिर से डायग्राम में आ जाओ, ठीक है, हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में आते हैं। अब आप देख रहे हो कि आप एक जॉ दिखाई दे रहा है, दैट इज़ एक्सटर्नल जॉ, एक्सटर्नल जो एक मेन स्केल जॉ है जिसे हम J1 कह सकते हैं, या फिर एक वर्नियर जॉ है दैट इज हम J2 कह सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एरर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इस वर्नियर कैलिपर जो पर्टिकुलर मूवेबल है इसे हम क्लोज, कम्प्लीटली क्लोज कर देंगे, मतलब J1 जॉ 1 एक्सटर्नल जॉ को, जो दो एक्सटर्नल जॉ है दैट इज ऑफ वन ऑफ द मेन स्केल एंड वन ऑफ वर्नियर स्केल, उसे हम मैच कर, मतलब कम्प्लीटली क्लोज ला लेंगे। जैसे हम क्लोज लाते हैं और अगर देखते हैं कि द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल शुड कोइंसिडेंस विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, मतलब जीरो मार्क जो वर्नियर स्केल पे है वो जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल के साथ अलाइन होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये अलाइन नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एरर हुआ है, कहीं ना कहीं एक एरर जनरेट हुआ है। अगर वो अलाइन है तो हम उसे कह सकते हैं फ्री फ्रॉम जीरो एरर, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है, दिस इज द परफेक्ट वर्नियर कैलिपर टू यूज, मतलब आपको जो रीडिंग मिलेगी दैट विल बी कंप्लीट एक्यूरेट रीडिंग, चीज़ें क्लियर है। तो वर्नियर स्केल का ये आपको एक एडवांटेज है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सर अगर एरर होता है, चलो मान लेते हैं कि सर जो जीरो ऑफ मेन स्केल है जीरो ऑफ वन ईयर के साथ कोइंसिडेंस नहीं कर रहा है, तो सर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको दो मिलेगा, दो टाइप ऑफ एरर, ऐसे दो टाइप ऑफ एरर कौन से, एक पॉजिटिव एरर और एक रहेगा नेगेटिव एरर, ठीक है। पॉजिटिव एरर क्या होगा, चीज़ें क्लियर है, पॉजिटिव एरर देखते हैं किसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम पॉजिटिव एरर के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव एरर क्या होगा, जैसे हमने जॉ वन और जॉ टू कोइंसिडेंस कर लिया, मतलब कम्प्लीटली दोनों जॉ को हमने क्लोज कर लिया, देखो अगर मेन स्केल का जीरो और वन ईयर कैलिपर का जीरो अगर मैच करता है तो हम कह रहे हैं कि नो एरर है सर, फ्री फ्रॉम जीरो एरर, ठीक है, फ्री फ्रॉम एरर है। तो सर पॉजिटिव क्या होगा, अगर वन ईयर कैलिपर का जो जीरो रीडिंग है ये टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड आ जाती है मेन स्केल के, टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, मतलब जीरो मैच नहीं कर रहा है, बस ये जीरो जो है वो राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी पर्टिकुलर हम एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव एरर, मतलब एरर कैसा है, पॉजिटिव वे, ठीक है, एरर पॉजिटिव है बिकॉज वो जो जीरो है वो राइट हैंड साइड में आ चुका है, ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अगर हम बात करेंगे नेगेटिव एरर का, नेगेटिव एरर क्या होगा, नेगेटिव एरर जस्ट अपोजिट टू इट, मतलब क्या होगा, जो वन ईयर कैलिपर का जो जीरो है, जीरो मार्किंग है, जो जीरो रीडिंग है वन ईयर कैलिपर की, दैट विल बी टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मेन स्केल जीरो, मेन स्केल जीरो में जो मेन स्केल पे जो जीरो मार्क्ड है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब आगे चलेगा, जैसे हमने जॉ को टच किया, जॉ वन दैट इज J1 एंड J2 अगर टच हो जाते हैं और उसके बाद जीरो अगर मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता तो वो नेगेटिव एरर कहलाएगा, चीज़ें क्लियर है। और पॉजिटिव एरर क्या होगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में अगर आता है तो पॉजिटिव एरर कहलाता है, ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया, इसे कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एरर। अब हम देखते हैं पॉजिटिव एरर का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द स्केल, अब आते हैं लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर एंड द सिक्स्थ डिवीजन, ठीक है, चलो अब आते हैं पर्टिकुलर,
हम वापस अपने डायग्राम में समझते ये हो गया डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, कंसीडर करो ये है हमारी मेन स्केल, ठीक है, ये है हमारी मेन स्केल और यहां पे कई आपका वर्नियर, वर्नियर कैलिपर अटैच है, ये चीज़ें क्लियर है। ये हो गया हमारा जीरो ऑफ मेन स्केल और ये आ गया जीरो ऑन द वर्नियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 और ये आ गया 10 कहीं यहाँ पे, ये चीज़ें क्लियर है। अब हम कह रहे हैं कि जो पर्टिकुलर हमारा मेन स्केल का जो 6 है वो 6 के साथ कोइंसिडेंस करेगा, यहाँ पे मेन स्केल 6 रीडिंग है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मेन स्केल रीडिंग है, दिस इज मेन स्केल रीडिंग, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल, ठीक है, जो मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग देखो यहाँ पे जीरो मैच नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव एरर है, ये कैसा एरर है, ये पॉजिटिव एरर है, दिस इज पॉजिटिव एरर, क्योंकि बिकॉज वर्नियर कैलिबर जीरो इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मेन स्केल जीरो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एरर है। अब पॉजिटिव एरर का हमें कैलकुलेशन करना है कि हमें अगर कितना एरर हुआ है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये इसमें कितने mm का डिस्टेंस है हमें कैलकुलेट करना है, कितने mm का हमें डिस्टेंस है, कि जो मेन स्केल जीरो है और वर्नियर स्केल की जीरो में हमें कैलकुलेशन करना है कि कितने स्केल का है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता है लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर स्केल का, लीस्ट काउंट और वर्नियर स्केल 0.01 सेंटीमीटर, ये होता है लीस्ट काउंट। ओके, चीज़ें क्लियर है। अब हमें कंडीशन चेक करनी कि जीरो एरर क्या होता है, सर जीरो एरर हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो जीरो एरर हमें कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें देख रहे हैं कौन सा डिजिट कोइंसिडेंस कर रहा है, सिक्स्थ डिजिट मेन स्केल का, तो सिक्स इंटू क्या कर देंगे हम, सिक्स इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। अगर यहाँ पे फिफ्थ फाइव जो यूनिट है पर्टिकुलर, फिफ्थ ऑन वर्नियर कैलिपर और फिफ्थ और ऑन मेन स्केल अगर मैच होता है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फिफ्थ, ये है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग इज सिक्स, तो 6 × 0.01 दैट इज इन सेंटीमीटर, हाँ है ना, इसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 0.06 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, मतलब मेन स्केल जीरो, अगर मैं इसे मैग्नीफाई कर दे तो यहाँ पर अगर हम मैग्नीफाई कर दें तो कैसा दिखेगा, ये अगर मेन स्केल का जीरो है और ये वर्नियर कैलिबर का जीरो है तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे जनरेट हुआ है, दिस डिस्टेंस इज ऑफ 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से हम पर्टिकुलर एरर देख सकते हैं कि एरर कितना हुआ है, हाउ द एरर, मतलब ये पर्टिकुलर हम एरर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वर्नियर कैलिबर के जीरो और मेन स्केल के जीरो के बीच में गैप कितना है, मेन स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, अगर पॉजिटिव एरर है तो ये केस कैसा है, पॉजिटिव एरर का केस है, ये केस है पॉजिटिव एरर, ठीक है, नेगेटिव एरर का कैलकुलेशन डिफरेंट रहेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव एरर में हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम मेन स्केल लेंगे, दोनों जॉज को मिक्स कर देंगे, ठीक है, ज्वाइन कर देंगे, जैसे ही ज्वाइन करते हैं अगर ये जीरो इसके साथ कोइंसिडेंस कर जाता है मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्ट, वहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हमें कोई एरर देखने नहीं मिलेगा, चीज़ें क्लियर है। ओके, अब एरर देखने नहीं मिलेगा तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब दो कंडीशन सकती है, एरर नहीं है, ठीक है, अगर जीरो क्या हो सकता है, जीरो इधर राइट हैंड साइड में हो सकता है, जीरो इधर लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है, अगर जीरो वर्नियर कैलिपर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट हैंड साइड में हो, मतलब एरर कैसा है, पॉजिटिव एरर है। अब पॉजिटिव एरर होने का हम और एक चीज़ पता करते हैं कि ये दोनों जीरो के बीच में मेन स्केल जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो के बीच में गैप कितना है, कितने अमाउंट का गैप है, तो हमें पता है कि लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर कैलिपर का, 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 mm, है ना, चीज़ें क्लियर है, 0.1 mm का ये है सेंटीमीटर mm। अब हमें एरर निकालना है कि सर ये एरर में डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट, अब ऐसा ही पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर की एक यूनिट रहेगा जो मेन स्केल के साथ कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस करता ही है ऑलवेज, बिकॉज हमें पता है कि जो मेन स्केल जो वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग होता है वो हमेशा लेस देन वन मेन स्केल पर जाके मैच होता है, मतलब लेस देन वन दैट इज 9 यूनिट पर जाके मैच हो जाएगा, चीज़ें क्लियर है। ओके, तो अब क्या होगा, जैसे हमने मेन स्केल जहाँ पे भी अगर 8 मैच कर जाता है तो यू विल बी यूजिंग 8 मेन स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, तो ये हो जाएगा 0.08 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारे केस में 6 मैच हो गया तो ये हो गया हमारा 6 × 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 0.06 सेंटीमीटर का जीरो एरर, ये चीज़ें क्लियर है। ओके,
तो ये सब था पर्टिकुलरली पॉजिटिव एरर के बारे में, ठीक है। अब नेगेटिव एरर हम नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं।